जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। देखिए, मैं हर एक स्टेट का प्रोफेशनल टैक्स का वीडियो जो है समय समय पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ कि कैसे आप प्रोफेशनल टैक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और रिटर्न फाइलिंग की भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ कि आप रिटर्न भी कैसे फाइल कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग मिले देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में, है ना। आंध्र प्रदेश स्टेट से अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे ले सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स जो है आपको समझना पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि PTRC PTEC दोनों समझना आपको जरूरी है। एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि एम्प्लॉयर के लोगों के लिए होता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि एम्प्लॉय लोगों के लिए होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो दोनों चीज़ जो है आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे यही हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आंध्र प्रदेश का आप प्रोफेशनल टैक्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो है आपको इस पेज पे आना है। अगर नहीं आ पाओगे तो भाई गूगल पे जाना, डायरेक्टली लिखना कमर्शियल टैक्स। क्या लिखोगे? कमर्शियल टैक्स। कौन सा स्टेट है? आंध्र, ANDHRA आंध्र प्रदेश लिखना है ना। आने के बाद जो है सबसे पहला यही आएगा पोर्टल, है ना। तो मैं प्रोफेशनल टैक्स पे जाना, जब आप क्लिक करोगे मैं प्रोफेशनल टैक्स में ना तो आपका ये पोर्टल ओपन हो के आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ई सर्विस है, ई रजिस्ट्रेशन है, तो ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। और आपको बता दूँ कि 1 जनवरी 2020 से जो है ऑफलाइन पेमेंट बंद हो चुका है, अभी ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ता है। और अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप इस लिंक पे भी क्लिक करके भी जो है ना डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन ओपन होके आएगा, है ना। अगर आप प्रीवियसली जाओ, यहाँ पे भी क्लिक करो तो सेम आपका इंटरफेस आएगा, पूछेगा कि क्या आपके पास में वैट या GST रजिस्ट्रेशन है। अगर है तो यस करोगे तो वहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन को देने के लिए आपको आ जाएगा टिन, यानी कि आपके पास वेट है तो आप वो दे हुए। अगर GST है तो GST डाल के ये कैप्चा फिल करके सबमिट करो। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। करने के बाद जो है आपके पास में बेसिक डिटेल फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस कमेंसमेंट डेट, तो यहाँ पे आप जो इफेक्टिव डेट चूज करना चाहते हो वो चूज बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि ज़्यादा बैक डेट में करोगे ना तो वहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा आपको, है ना। तो कोशिश करना कि जो करंट डेट में हो रहा है तो उसी मंथ के कोई भी डेट को सेलेक्ट करना, ठीक। इसके बाद जो है प्रोफेशन, किस तरह का प्रोफेशन हो, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपको पता है किस तरह का प्रोफेशन है, कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लेना भाई यहाँ पे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आप हो, तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पूछेगा कि अदर में क्या क्या हो, भाई वो आपको यहाँ पे प्रोफेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, है ना। देखो मैं जितनी भी सारी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आपको अदर वाला नहीं सेलेक्ट करना है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करना। एनुअल टर्नओवर इनकम अगर होगा तभी डालना, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे देने का, आप जीरो फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कैटेगरी टाइप पूछेगा, तो कैटेगरी टाइप क्या है, प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस तरह की होगी अब वो आप यहाँ पे दे देना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछेगा, अगर आप एम्प्लॉयर हो, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं आपके अंदर वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। याद रखना कि फॉर्म वन में जो है मंथली रिटर्न फाइल होता है इसका, और अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो फॉर्म वन में मंथली रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, फाइल जरूर कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तब जो है उस केस में जो है आपको पेमेंट जो है वो इफेक्टिव डेट से फिल करना पड़ता है। ये सारे चीज ध्यान देना, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। इसके बाद जो है प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एंटरप्राइज डिटेल, आपकी जो कंपनी के नाम होगी ना वो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिख देना, उसको पैन कार्ड देना। अगर यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो आधार कार्ड नंबर भी दे देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं इसको देने के लिए, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना, अगर आपकी कंपनी है तो भाई यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से एड्रेस फिल कर देना, डोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, मंडल या म्यूनसिपलिटी जो भी आता होगा, पिन कोड देना, ईमेल आईडी देना, मोबाइल नंबर देना, फ़ोन नंबर देना, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ नहीं है, कंपनी है, तो
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फिल करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देना, एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो, दे देना, बैंक का डिटेल दे देना, बैंक नेम देना, ब्रांच नेम देना, आईएफएससी कोड देना, अकाउंट नंबर देना, बैंक का फुल एड्रेस देना, और यहाँ पे अब बैंक डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो यहाँ पे कैंसिल चेक भी लगा सकते हो अगर आपके पास में स्टेटमेंट है ना बैंक का, ऑनलाइन निकालते हो ना स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट भी जो है आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। याद रखना कि करंट अकाउंट पर डालना है ना, सेविंग अकाउंट पर नहीं डालने की जरूरत है। इसके बाद जो है ये कैप्चा इसमें फिल करना, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेविंग प्लीज वेट बोलेगा, आपको वेट करना है, ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है आपको ट्रैक करना है कि अभी क्या स्टेटस है, तो स्टेटस को ट्रैक करने के लिए सिंपल क्लिक है टू ट्रैक एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप यहाँ फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको बैक टू पोर्टल एक चेक है, तो चेक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में इस तरह से आएगा, आपको ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल में डाले होंगे उसको ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना, तब आपका एप्लीकेशन का स्टेटस को दिखाएगा। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया, अब देख रहे हो यहाँ पे अभी आपका स्टेटस दिखा रहा है, क्या स्टेटस दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि आपका जो भी पीटी का रजिस्ट्रेशन है अभी पेंडिंग है, आपको वेट करना है, जब डॉक्यूमेंट पूरा आपका चेक हो जाएगा यानी कि स्क्रूटनी हो जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपका ये अप्रूव कर दिया था। अब पूछेंगे सर कितना समय लगता है, देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, बट मैंने लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन किया था उसमें 10 वर्किंग डेज टाइम लगा था, तो आप 10 से 15 वर्किंग डेज जो है अपना कंसिडर करके चलना, आपका उतना समय तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का अगर आंध्र प्रदेश का प्रोफेशनल टैक्स का अगर रजिस्ट्रेशन लेना है और हम लोगों की प्रोफेशनल अगर हेल्प चाहिए यानी कि पेड सर्विस चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया में, कहीं का भी प्रोफेशनल टैक्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कीजिए वाईएमएल फाइनेंशियल सर्विसेज को, एफोर्डेबल प्राइस पर आपको सर्विस दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद।